बैठा के लेके जाना। अजी क्या हालचाल, नया दिन नई शुरुआत निकल चुकी है। रिपब्लिक डे टू एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। निकल पड़ा है अपना RJ20 राइडर्स क्लब एक नए तूफान की ओर, एक नए कुछ धूम मचाने के लिए। और आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी मेरे पीछे लाइन अप हो चुकी है। और यह बढ़िया तरीके से हमारे श्री राम जी और दादा को आप देख ही सकते हैं। दादा को हैप्पी रिपब्लिक डे। दादा को आप सब जानते होंगे जिन्होंने वो गाना गाया था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं रेगिस्तान में दादा वीडियो के अंदर। और यहाँ से बढ़िया तरीके से आप देखिए, ये सबसे आगे अपनी रुस्तम तैयार है। और ये पूरा लाइनअप देख सकते हैं पीछे गाड़ियों का, बढ़िया तरीके से राइडर्स तैयार है गियर्स वगैरह के साथ। और कहाँ जाएंगे, कहाँ धूम मचाएंगे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दोस्तों ये आ चुके हैं हमारे मुदित भैया, चांद वाला मुखड़ा। अरे मुदित नहीं, इसका नाम है नागिन आ चुके हैं। कोई भी रख दो। ये बहुत बड़े राइडर हैं। आप देखिए ये इनकी गाड़ी है जो ये बहुत कम चलाते हैं, मतलब मात्र आप ये देख लीजिए रोज का 150-200 किलोमीटर चलती है बस इनकी गाड़ी। अब इन्हीं का इंतजार था, आ चुके हैं, निकलेंगे यहाँ से, रवाना हो चुके हैं क्योंकि पूरा लाइन अप लग चुका है बढ़िया तरीके से। और बस अब रवानगी कर रहे हैं। तो दोस्तों सवारी पहुंच चुकी है अब राउट बाटा। और आप देख चुके हैं ये मेरे पीछे, यहाँ पर पूरा लाइनअप दिख रहा होगा आपको। ये इतनी सारी गाड़ियाँ हैं आज, क्योंकि 26 जनवरी की राइड। और 26 जनवरी की राइड हमारी RJ20 राइड्स की सबसे बड़ी राइड होती है, तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं। फिर भी अभी मतलब 30% या 25% ही गाड़ियाँ आई हैं, तो बाकी धीरे धीरे और गाड़ियाँ आती रहेंगी क्योंकि यहाँ से अब हम आगे और जाने वाले हैं। ये तो अभी लगभग हम कह सकते हैं आधे से भी कम रास्ता तय हुआ है, क्योंकि आगे हमें बहुत जाना है। जिस जगह जाएंगे वो बहुत बढ़िया जगह है, वो भी आपको बताएंगे हम। तो दोस्तों जंगल में चलते चलते ये आप देखिए हम किन रोडों से आ रहे हैं। ये आप रोड देख सकते हैं, हम किस जगह से गाड़ी उतार के लाए हैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से। और ये हो रही है पूरी ऑफ रोडिंग। देखिए अगर कोई ऑफ रोडिंग करना चाहता है तो हमसे संपर्क करे। यहाँ इस ट्रेल से हम उतर के आए हैं ऊपर से। ये श्री राम जी देखो यहाँ से ऊपर उतर के आ रहे हैं और हम यहाँ आ चुके हैं। ये खड़ी है अपनी गाड़ियाँ देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर आगे हमें जाना है, ये पीछे आपको और रास्ता दिख रहा होगा, इस रास्ते में हम जाने वाले हैं। सड़क है नहीं, सड़क पहाड़ पे चढ़ाना है। बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ाना है। ऐसे ही जैसे घोड़े दौड़ते हैं ऐसे ही हमारी गाड़ियाँ दौड़ रही है। बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। अब मेरे पास अभी GoPro है नहीं, तो मैं आपको पूरा दिखाता किस तरह से। और अपना रुस्तम धमाल मचा रहा है, कमाल मचा रहा है। इसको तो पसंद आ रही है ये रोड, क्योंकि आपको पता है ऐसे सर की आदत है, जहाँ रोड नहीं होती वहाँ हम ही जाते हैं। आगे कहाँ तक जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सवारी चलते चलते आ चुकी है नदी किनारे। आगे आप देख सकते हैं नदी है। और ये बढ़िया रास्ता देख लीजिए हम कहाँ से आए हैं। यहाँ पर गाड़ियों को कुदाते हुए हमारे घोड़े आगे और जाने के लिए तैयार, पर आगे आ चुकी है नदी, तो आगे हम नहीं जा सकते। नदी को मैं पास से दिखा देता हूँ। वैसे नदी तो वही है, पानी है उसमें, और तो क्या, ये चंबल है, थोड़े मगरमच्छ भी है यहाँ पर, तो रिस्की भी हो सकता है, इसलिए हम ज्यादा आगे जाएंगे नहीं। पर फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो चलो आपको थोड़ा बहुत तो दिखाई देता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि मजाक कर रहे हो कि यह नहीं होता मगरमच्छ। तो अगर हुआ किस्मत हमारी तो आपको दिख जाएगा, शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा, वो रहा देख लीजिए। ये आपको जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये डालियां दिख रही है, इनके बीच में बैठा हुआ है, देख लीजिए बढ़िया तरीके से। दूर दूर तक ये चंबल का किनारा है। तो दोस्तों आगे का रास्ता आप देखिए, आगे का रास्ता किस तरह से है। यहाँ हम जान पूछ के हमारी गाड़ी नहीं लाए, क्योंकि आ जाती नहीं आती, मतलब रिस्क हो सकता था थोड़ा सा, तो रिस्क लेने से अच्छा है थोड़ा सा गाड़ी दूर ही रोक दे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कैसे रास्ते है, इसमें कहाँ हम बाइक लाते। पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही है, एक्सपल्स तो आ जाती पर नीचे पड़ा रहता थोड़ी देर में, लाना पड़ता, वही छोड़ के आना पड़ा उसको।
वैसे अब मुझे लग रहा है कि आ सकती थी गाड़ी, इधर से आ सकती थी गाड़ी, इधर से आ जाती, लेकिन वो नीचे स्लिपरी है पूरा। चलो रात तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैसी हम ट्रेकिंग करके आए हैं ऊपर कश्मीर, और यहाँ पर बिल्कुल रास्ता नहीं है, यहाँ आके हमें सीढ़ियाँ मिली हैं और ये सब थक के बैठ गए। आप ये मैं सोचिए कि ये जल्दी चढ़ के आ गए, सब अपनी थकान दूर कर रहे हैं यहाँ पर। ये बढ़िया तरीके से ऊपर मंदिर है, मंदिर को भी एक्सप्लोर करेंगे, पर हमारे एक भैया पहले ही जा चुके हैं। भैया थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप, दो मिनट आपको, आपको इंश्योरेंस वाले भैया को। तो दोस्तों देखिए हम नीचे उतर रहे हैं, अब नीचे उतरते हुए पैर बहुत ध्यान से रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक भी पत्थर स्लिप हुआ तो हम सीधे नीचे स्लिप हो जाएंगे, इन झाड़ियों में चले जाएंगे कहीं। देख सकते हैं आप कितना खतरनाक जंगल है ये, और इस जंगल में आपके RJ20 राइडर्स, आपके ऐसे सर केवल आपके लिए, आपको ये जगह एक्सप्लोर कराने के लिए। यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर था, मेंढकी के बालाजी, वहाँ आए थे हम, मेंढकी महादेव जी। तो बस चल रहे हैं, आप देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मेरे को ये ना लगे मैं अकेला हूँ, अदरवाइज आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और यहाँ झाड़ियों में बार बार हमें आवाजें आ रही हैं क्योंकि जंगली जानवर भी बहुत हैं यहाँ पर। तीतर तो खूब है, लोमड़ी, जरक, भालू, चीता, सियार, नील गाय, ये सब है यहाँ पर। मेरे को भाई दो लोमड़ी दिखी, पता है दूर, वो कैमरे में कैद नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे ऐसी ऐसी जगह पे हम कैमरा संभाले, बाइक संभाले या क्या करें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए पांव स्लिप हुआ तो सीधे हम चंबल में, और अभी बहुत चलना है अभी, और ये आप ऐसा हल्के में मत लीजिएगा, पांव स्लिप हो रहा है यहाँ पर, और राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं तो आपको पता ही है राइडिंग गियर्स के बाद थोड़ा सा और दिक्कत हो जाती है, पर जो भी है बेहतरीन। अब हम पहुँचने वाले हैं नीचे, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा पहुँच गए जिस हिसाब से हाइट दिख रही है मुझे, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से। जय हो महादेव, जय बालाजी। तो दोस्तों अब सवारी नीचे आ चुकी है, ऊपर से हम नीचे आ गए हैं, हम वहां ऊपर गए थे, आप देख सकते हैं जो पहाड़ी का टॉप दिख रहा है, और यहां सब गाड़ियां खड़ी हैं हमारी, देख लीजिए अपना रुस्तम जिंदाबाद, और बाकी सारे लाइनअप्स हैं दूर दूर तक आपको दिख रहे होंगे। और ये दादा, दादा सबसे पहले आ गए, सबसे पहले चढ़े और सबसे पहले नीचे उतर के आ गए, दादा दी ग्रेट। जंगल में कुछ खाने का चाहिए, ये देखिए जंगल में खाने के लिए ढूंढ रहा है कुछ चीजें, भूखा आदमी। पेड़ का पत्ता खाइए, उधर मेरा नागिन खड़ा हुआ है। दादा अमरूद का पेड़ है दादा, ये वाला। बट अमरूद नहीं है, ये अमरूद का पेड़ नहीं है। अरे अमरूद जैसे लग रहा है, नहीं यार। दादा ये आदमी कुछ भी कह सकता है, कोई से भी पीले खेती को सरसों बता देता है ये व्यक्ति। भाई तू तो मेरा ऑर्गेनिक खेती है ये, मैं तो देख रहा हूं दादा, ऑर्गेनिक खेती है ये। रेगिस्तान में होती हो, मुंह पे जो जो रिएक्शन आएगा ना उसको आप नोट कीजिएगा। देख मैं गाड़ी तो उधर छोड़ के आ गया, ठीक है, तो अभी तू पीछे बैठा के लेके जाना मेरे को, भैंस रोड से आगे, और ये भैंस रोड के जंगलों में हम निकल रहे हैं, आगे दरगाह पड़ेगी, अगर रास्ता सही रहा और मैं वहाँ रुका तो आपको जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ हम रुके हैं थोड़ा फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं बढ़िया जंगल के नजारे हैं। लास्ट टाइम हमने यही जानवर वगैरह काफ़ी देखे थे तो सोचा आज भी यहीं रुक के देखते हैं,
और देखिए हमारे बाकी राइडर्स आ रहे हैं पीछे, ये धीरे धीरे पूरा लाइनअप दिख रहा है आपको, ये देखते रहिएगा। बढ़िया, मैं इशारा कर देता हूँ इनको निकलने का। ये बढ़िया हमारे राइडर्स चल रहे हैं, ये देखिए। बढ़िया लाइन अप आते हुए, और ये हमारा पूरा कारवा आगे निकला है, अब हम भी निकलेंगे। तो दोस्तों रास्ते में हम आ रहे थे और देखिए यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई है, पर बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि किसी को कुछ हुआ नहीं है। ये कार यहाँ से पूरा जंप कर गई है नीचे, इस जगह से आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जंप करते हुए नीचे गई है, पर बहुत बढ़िया तरीके से किसी को भी कोई हानि नहीं पहुँची है। तो बस देखिए लोगों की मेहनत काम आई है। लल्ला लल्ला दूध की कटोरी, दूध में पतासा तमाशा। तो भाई तमाशा हो गया, अभी आपने देखा होगा कितने जबरदस्त तरीके से दुर्घटना हो गई है। स्विफ्ट कार थी तो डंपर आ रहा था, उसने डंपर को बचाया और बचाने के चक्कर में गाड़ी कुदा दी नीचे, तो 5-7 फीट नीचे चली गई थी खाई में। फिर गाँव वालों ने रस्सी वस्सी बांध के निकाला और हम यहाँ से आ रहे हैं इन जंगलों से। आप पीछे देख सकते हैं इन रस्तों में, देखिए हम कैसे निकल के आए और यहाँ आके हमें रोड मिली है। ये रोड अब हमें मिली है तो हम इस रोड से आ सकते थे, पर हमने रोड से आना पसंद नहीं था, हम इस कच्चे रास्ते से आए हैं यहाँ से अंदर से होते हुए। बहुत बढ़िया तरीके से भाई साहब, राम राम। देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से यहाँ से निकल के आए हम, बहुत बढ़िया। और ये धीरे धीरे हमारे बाइकर साथ जा रहे हैं। देखिए आपको अगर लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ तो देखिए अभी एक गाड़ी और आएगी जंगलों में से निकल के, देखते जाइएगा। तो ये हमको मिले या राइट पे, इनका बहुत बड़ा चैनल है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके, तो इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये बोल रहे हैं कि आप नाम मत बताओ, लोग बाग मेरे हेलमेट से ही पहचान जाएंगे, तो इनके हेलमेट से आप पहचानने की कोशिश करिएगा कौन से है ये। ये हमको यहाँ राइड पे मिल गए हैं, ये एक्चुअली बाहर से आए हुए हैं। या इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करना करो, पर देखो वीडियो इनकी। तो दोस्तों सवारी पहुंची है अभी डाबी और यहाँ पर पूरी गाड़ियों का लाइनअप हो गया, ये आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। ये पूरी गाड़ियां खड़ी है हमारी, यहाँ से देखिए जहाँ तक दूर दूर तक आपकी निगाह जाएगी, ये पूरा बढ़िया तरीके से पूरा चौराया कवर कर दिया है। ये ऐसा लग रहा है कि सभी बाइकें सेल के लिए आ गई हैं। यहाँ तक आप देखिए कितना दूर तक हमारी बाइकें जा रही हैं। अब ये लाइनअप हो चुका है तैयार, बेसिकली ये सेल नहीं है, ये फोटोग्राफी के लिए है क्योंकि ये यहाँ फोटोशूट चलने वाला है। ये सारे के सारे राइडर्स पीछे बैठ गए हैं, देखिए आप यहाँ पर लाइनअप लगा के। ये हमारे सूर्या जी का मेडिकल स्टोर, जब भी डाबी आए चौराहे पर आए सूर्या जी के, और मेरा नाम ले लीजिएगा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, देख लीजिए। तो दोस्तों हम घूमते हुए डाबी आ चुके हैं और डाबी में हमारे इतने सारे भाई लोग मिल गए हैं, इन्होंने हमें चाय नाश्ता कराया बहुत बढ़िया तरीके से, और अब हम यहाँ से कोटा की ओर निकलने वाले हैं। आप बढ़िया देख सकते हैं बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है यहाँ पर, जब भी आप आए इस चौराहे के सामने इनकी दुकान मिल जाएगी, मेन चौराहा है ये डाबी का। और बढ़िया इन सबके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अगर इनको सब लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं सबकी आईडी यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना अपना नाम बता दो। वेरूलाल, वेरूलाल जी, पंकज बैरागी, पंकज बैरागी, किरण जी, अर्जुन, दीपक जी, अंदर दीपक जी, ये दीपक जी हमारे थोड़े शर्मीले हैं जो दूर से हाय कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर। तो दोस्तों मेरे पीछे का नज़ारा देख के आप समझ गए होंगे, हम आ चुके हैं वापस कोटा अपने हैंगिंग ब्रिज, और हम दोनों आ चुके हैं अभी सबसे पहले, बाकी जो हमारी गाड़ियां हैं वो पीछे आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है अपना रुस्तम और उसका भाई तो भागता है बिल्कुल घोड़े की तरह। हमारी गाड़ी उड़ती है भाई, उड़ती है, चाहे ऑफ रोड हो चाहे हाईवे हो, कोई सी भी रास्ता हो, दोनों नंबर वन। और हमारे कपड़े भी बिल्कुल धूल में नहीं हुए, और अगर बाकी लोग अभी आ रहे होंगे वैसे लगभग उनको मुझे लग रहा है आधा घंटा और लग जाएगा आने में यहाँ तक, क्योंकि हमारी गाड़ी तो 130-135 पे चल के आई है और बाकी सब जो है वो 80-90 वाले हैं। तो भाई बहुत धूल उड़ाई हमने, बहुत धूल उड़ाई, बहुत धूम मचाई पूरी वीडियो में। तो
तो वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए तो लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट करे बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना भी मत जाना। मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कुछ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।